और ये भाजपा की जो सरकार है ये बिल्कुल बिल्कुल विचलित कर रही है कि नहीं कराएं, कराना ही पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं जूली, आप इस वक्त देख रहे हैं द इंडिया टॉप। बिहार में जातिगत जनगणना का मुद्दा एक बार फिर से तूल पकड़ने लगा है। विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के दौरान भी ये मुद्दा जोर शोर से उठाया गया था, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं ये मुद्दा जो है वो शांत होता हुआ दिख रहा था। लेकिन एक बार फिर से आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने इस मुद्दे को हवा दी है और लंबे समय बाद उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने जातिगत जनगणना को बेहद जरूरी बता दिया है। लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट करके लिखा है, जातीय जनगणना देश हित में अत्यावश्यक है। जब तक मूल बीमारी का पता ही नहीं चलेगा तो सही इलाज कैसे होगा। यह किसी जाति वर्ग के खिलाफ नहीं बल्कि इसमें सर्वहित तथा देश का समावेशी एवं सर्वांगीण विकास निहित है। जो जातीय जनगणना नहीं चाहते वो एक समान न्याय व अवसर के सिद्धांत के विरुद्ध है। इसके साथ ही उन्होंने अपना एक वीडियो भी ट्वीट किया है जिसमें वो बता रहे हैं कि क्यों आज के समय में जातिगत जनगणना जो है वो जरूरी हो गया है। क्या कुछ कहा उन्होंने आप सुनिए। जातीय जनगणना बहुत निहायत जरूरी है इस देश में और जनगणना नहीं होने की वजह से चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो बिल्कुल दिशाहीन होकर के बजट बना रही है और काम कर रही है जिससे बैकबेंचर और पीछे होते जा रहे हैं। शोषक लोग आगे बढ़ रहे हैं। जातीय जनगणना किसी जाति के खिलाफ नहीं है। हमारा दल राष्ट्रीय जनता दल इस स्पष्ट हमारा मत है कि जातीय जनगणना में विलंब नहीं करना चाहिए, इसके लिए शुरू करना चाहिए सरकार को, आना कानी नहीं करना। जैसे मंडल कमीशन की लड़ाई हम लोग लड़े उसी तरह से जातीय जनगणना को लागू करने के लिए हम लोग को संघर्ष करना पड़ेगा। और ये भाजपा की जो सरकार है ये बिल्कुल बिल्कुल विचलित कर रही है कि नहीं कराएं, कराना ही पड़ेगा इनको। इस देश में सभी जातियों की जनसंख्या बढ़ी है, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल टाइप के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर नौकरी निश्चित है, उनकी संख्या बढ़ी है, उनका नौकरी का कोटा बढ़ जाएगा। और ओबीसी जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनके लिए जो बजट बनेगा सारे देश का उनकी माली हालत को देख करके बनाना पड़ेगा, नहीं तो आगे बढ़ने वाले बढ़ते जा रहे हैं। आपको बता दें कि बिहार में जातीय जनगणना हमेशा से एक अहम मुद्दा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी खुद इसका समर्थन करते हैं, यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा था कि अगर केंद्र सरकार जातीय जनगणना करने पर राजी नहीं होती है तो वो राज्य सरकार के खर्चे पर बिहार में जातीय जनगणना करवाएंगे। इसके बाद से ये मुद्दा जो है वो कहीं ना कहीं शांत हो गया था, लेकिन एक बार फिर से लालू प्रसाद यादव ने कह दिया है कि बिहार में जातिगत जनगणना कराने की आवश्यकता है और जिस तरीके से भाजपा बार बार इससे इनकार कर रही है वो लोगों को विचलित करना चाहती है, लेकिन जिस तरीके से हमने मंडल कमीशन के लिए लड़ाई लड़ी थी उसी तरीके से अब जातीय जनगणना के लिए भी लड़ाई लड़नी होगी और बिहार में जातीय जनगणना जो है वो होकर रहेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इसी तरीके की तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए द इंडिया टॉप के साथ। धन्यवाद।